जो वीडियो है वो जबरदस्त इसलिए है कि आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि जो अपडेट आई है YouTube की न्यू 2022 बहुत ही जबरदस्त है, जो कि आपको अपने टॉपिक सिलेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और वो अगर उससे आप हेल्प लेकर अपने टॉपिक को सर्च आउट करके सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपकी वीडियोस के व्यूज ज्यादा आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि मैंने भी इस्तेमाल किया तो मैं हैरान रह गया कि यार हम अब तक कहाँ जी रहे थे। तो उसका नाम है जी रिसर्च। तो रिसर्च के नाम से एक अपडेट जो है वो यूट्यूब ने लॉन्च की है, जिसके अंदर मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और स्क्रीन के ऊपर जाकर आप वो देखिएगा कि उसके उससे मुझे कितना फ़ायदा हुआ है। और मेरे व्यूज़ जो हैं वो पहले जो 8, 10, 15, 20 या 50 से ऊपर नहीं जाते थे वो केज में चले गए, और एक वीडियो तो 24 के से भी ऊपर उसके व्यूज़ हैं, एक और वीडियो के 14 के हिसाब से हैं। तो ये बड़ा जी ज़बरदस्त सा अपडेट दी है यूट्यूब ने, और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी इसको समझें और जो न्यू यूट्यूबर्स हैं वो इसको इस्तेमाल करें। पुराने यूट्यूबर्स भी इसको यकीनन इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो मुझे उससे बेनिफिट हुआ तो मैंने सोचा कि आपको भी बताऊं। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे और वो स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए थे, और जब मैंने उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व की तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आप क्यों नहीं इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर डालते, आप इस कंटेंट को क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो सोचा कि हम अपनी एक प्लेलिस्ट में इजाफा कर देते और इस प्लेलिस्ट के अंदर हम जो यूट्यूब के यानी चैनल बनाने से लेकर उसे ग्रो करने तक और सारी चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करूँगा, और मैं अपनी नाकामियां भी आपसे शेयर करूंगा। जो 4 चैनल मेरे पहले फ्लॉप हुए उसमें क्या नाकामियां थी, क्यों क्या खामियां थी, क्या कमियां थी, क्यों नाकाम हुए, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और चैनल को बनाए हुए मुझे सिर्फ 3 महीने हुए हैं और इसके माशाल्लाह से मेरे सब्सक्राइबर अच्छे जा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे तो नहीं है लेकिन 368 लास्ट मैंने काउंट किए थे वो थे। और ये मुझे मतलब पहले दो महीने तो मेरे पास सिर्फ जो है ना 70 सब्सक्राइबर थे, लेकिन अब जो है जो जब मैंने उन चीज़ों को सीखा अप्लाई किया तो अब मेरे जो है सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। तो सोचा कि ये चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, ले चलता हूँ इस न्यू अपडेट की तरफ। आपने सबसे पहले तो क्रोम खोलना है अपने मोबाइल में, और क्रोम खोलने के बाद आपने आ जाना है एनालिटिक्स पे, और आप देख लीजिए अगर आप शुरू से खोलेंगे, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि जब आप अपने यूट्यूब पर जाएंगे सबसे पहले तो आपने क्रोम खोलना है, क्रोम में आपने अपना यूट्यूब खोल लेना है। YouTube आपने खोल लिया, उसके बाद आपने अपने चैनल पे जाना है, योर चैनल, आपका चैनल आ गया, और अब आपने तो इसे पहले सेट कर लीजिए डेस्कटॉप साइट पर, ठीक है, डेस्कटॉप साइट पर आपने इसे सेट कर लिया। इसके बाद आप जाएंगे YouTube स्टूडियो पर, YouTube स्टूडियो पर जाने के बाद आपके पास ये जो ज़बरदस्त किस्म की फ़ीचर हैं जो एनालिसिस में आया है, आप अपने यहाँ पर देखेंगे एनालिसिस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपको राइट हैंड पर आपको 5th ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये है जी सबसे अहम चीज़ न्यू यूट्यूबर्स के लिए, तो समझें कि उनके मज़े ही हो गए। अब इसका काम क्या है, इस पर 3 चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये इसमें जो पहली चीज़ है वो क्या है, वो है कि सर्च अक्रॉस YouTube, और ऊपर अगर आप देखें कि इस फीचर का मकसद क्या है, एक्सप्लोर व्हाट व्यूअर्स आर सर्चिंग फॉर ऑन YouTube, यूज़ दिस टूल टू रिसर्च सम ऑफ द टॉप सर्चेज फ्रॉम व्यूअर्स on your channel and across YouTube in the last 28 days. तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको टॉपिक सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब इसमें एक तो ओवरऑल है कि जी लोग पूरी दुनिया में के सर्चेज अक्रॉस YouTube, तो पहला ऑप्शन है। अब फ़र्ज़ कर लें कि आपने
क्योंकि अब देखें टॉपिक आप सोचते हैं बनाते हैं तो हमें नहीं पता चलता जो न्यू यूट्यूबर्स हैं कि कौन सा टॉपिक है जो हिट करेगा और उसे उस व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं इसी टॉपिक को सर्च कर लेता हूँ, यूट्यूब अपडेट। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखें कि आपके सामने यूट्यूब सर्च टर्म यूट्यूब अपडेट है, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये देखिए YouTube न्यू अपडेट हाई है, YouTube अपडेट हाई है, लेकिन यहाँ पर एक मज़े की चीज़ आप देखें कि कंटेंट गैप, ये जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई बात, जब आप इस पर क्लिक करेंगे और क्वेश्चन मार्क है जी ये है क्या बेसिकली, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अपडेट कंटेंट गैप, अ कंटेंट गैप इज़ अ वे ऑफ मेजरिंग वट व्यूअर्स आर सर्चिंग फॉर एंड द रिजल्ट्स दे फाइंड। अब उसके रीजन भी उन्होंने बताए हुए हैं कि अब व्यूअर्स कैन नॉट फाइंड एनी रिजल्ट फॉर देयर रिसर्च, व्यूअर कैन नॉट फाइंड एन एग्जैक्ट मैच फॉर देयर सर्च, व्यूअर कांट फाइंड रेलिवेंट वीडियोज फॉर देयर सर्च, फॉर एग्जाम्पल द कॉन्टेंट इज ओल्ड और लो क्वालिटी, यू मे वॉन्ट टू यूज अ कॉन्टेंट गैप as a starting point to research video that don't exist or could be improved। तो ये कह रहे हैं कि जी आपने ये content gap है और इस gap के अंदर आप इसे fill कर सकते हैं और इसे इसके ऊपर आप video बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें इस search term का जो बहुत ज़्यादा across the YouTube बहुत ज़्यादा high है, इसकी यानी कि इसको बहुत ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं लेकिन इसके ऊपर उन्हें कंटेंट नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे मज़ीद लोग क्या कंटेंट कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब न्यू अपडेट है 2022, यूट्यूब अपडेट है, अपडेट प्रॉब्लम है, और इसमें से मीडियम है, मीडियम है, मीडियम है, ये सारी सर्चेज हैं। तो आप में से अगर कोई भी अपना टॉपिक पहले इसके ऊपर सर्च करेगा तो सर्च अक्रॉस यूट्यूब। फिर जो दूसरा इसका बड़ा ज़बरदस्त सा फ़ायदा है वो देखें कि योर व्यूवर्स सर्चिंग सर्चेस, कि आपके जो व्यूवर्स हैं, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं या आपकी वीडियो देखने वाले हैं वो क्या देख रहे हैं, और फिर उसके अंदर आपको यूनाइटेड स्टेट इंडिया, जैसे मेरे चैनल के ऊपर जो ज़्यादातर व्यूज़ इंडिया से आते हैं तो ऑल आप कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। अब ये कंट्रीज़ हैं जिसमें मेरी वीडियो ज़्यादा देखी जाती हैं, तो पाकिस्तान, अब देखें अगर मैं पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान में ये चीज़ें, मैं जब पाकिस्तान रिएक्शन, ईद इन ईद की नमाज का तरीका, ये वो टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में या जो मेरे मेरे जहाँ पर ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं वो इनको सर्च कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको अपना टॉपिक सेलेक्ट करने में और अपने वीडियो बनाने में, और जो मटेरियल आप जो बनाएंगे उसे आपको सर्च करने में, टॉपिक को सेलेक्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स पर मैं वीडियोस बनाऊं और आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं तो आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताइए कि मुझे इन टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, या ये वीडियो जो मैंने बनाई इसमें आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हुई या नहीं हुई। क्यों? क्योंकि टॉपिक को सिलेक्ट करना सबसे बड़ा मसला होता है एक कॉन्टेंट क्रिएटर के लिए। तो इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं रहें खुश रहें और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रहें और खल्क खुदा के लिए आसानियां मुहैया करते रहें। अपने गौहर अय्यूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।